हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पोको का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन में गाइस अगर आप सभी लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पे आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता है, या तो फिर आपके फ़ोन के जो होम स्क्रीन है उसमें वो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो है शो नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जो है अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में जितने सारे भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगे तो वो जो सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उसी एप्लीकेशन को सर्च करना है जो कि आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ था बट शो नहीं कर रहा था। तो सपोज़ मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को सर्च कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आपको सर्च करनी है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टोरेज में जाना है और इसका डेटा क्लियर कर देना है। जैसे ही आप डेटा क्लियर करेंगे और यहाँ पे अगर वो जो एप्लीकेशन है वो शो करता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको यहाँ पे सिंपली से देख लेना है और या तो फिर यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे ऐप ड्रावर पे जो है वो जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उस एप्लीकेशन को जो है आप यहाँ से जो है अपने होम स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।